11 తెలుగు వార్తలకి స్వాగతం. నా పేరు హబీబ్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి గోపీనాథ్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఇంటింటి పాదయాత్ర చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రెహ్మత్ నగర్, వినాయక్ నగర్ మరియు ఎస్పీఆర్ హిల్స్ నుండి 200 మందితో పాదయాత్ర నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాగంటి గోపీనాథ్ మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ ముస్లిం మైనార్టీలకు ఎల్లవేళలా తోడుంటుందని అన్నారు. కానీ మంగళవారం జరిగిన మైనార్టీల మీటింగ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీకి వ్యతిరేకంగా జరిగిందని ఆరోపించారు. पब्लिक अच्छा रिसीव कर लेते. यहाँ रहमत नगर में माइनॉरिटीज़ ज़्यादा रहते. माइनॉरिटीज़ अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे. केसीआर साहब जो काम करे, केसीआर साहब जो शादी मुबारक के बारे में रहो, आपका पेंशन के बारे में रहो और रमज़ान के दिन तोहफा के बारे में रहो और रमज़ान के दिन एक दिन अच्छा खाना भी गरीब और खाना बोल के ऐसे जो प्रोग्राम्स यहाँ तमाम माइनॉरिटीज अच्छा लाइक करके अच्छा रिसीव करके हम फिर कार को वोट डालेंगे. हम फिर केसीआर साहब को सीएम बनाएंगे क्योंकि अच्छा रिसीव करें. वो रिसीव ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी, एक रूलिंग पार्टी, एक एमएलए ऐसा घर घर फिर नामुमकिन बात है. सही. कोई भी नहीं फिर सकते. क्या बोलते रूलिंग पार्टी में 4 से कुछ भी काम नहीं करे तो पब्लिक आने नहीं देता पहले. सही. तो हम लोग काम करें बोल के ऐसा घर घर फिर रहे और पब्लिक भी अच्छा रिसीव कर लेते और आसरा पेंशन से सब हमारे टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक महीना 1000 से 15000 ड्रा करने वाले 13000 लोग हैं और ये स्कीमा में शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी सब मिला के 20000 लोग बेनिफिशियर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में 80000 लोगों को फायदा करे. सो गवर्नमेंट एक केसीआर साहब पहला गवर्नमेंट है पूरा इंडिया में. नंबर 1 सीएम केसीआर साहब है. हमारे इलेक्शन में रोड पे झोपड़ी पट्टी वाले 20-25 से रह रहे. लोगों को भी परेशान था, उन को जीने को उन को भी परेशान था. कहाँ से गाड़ी आता, कहाँ झोपड़ी के ऊपर एक्सीडेंट होता, मरता, ऐसा बहुत हुए. हम लोग वादा करे आते ही आपको घर बना के देंगे. इमिडिएटली यहाँ से 310 घर लिस्ट बनाए. पहला लिस्ट में 250 जने चले गए, दूसरा लिस्ट में 160 जने अभी जा रहे. ये पूरे खुश हो गए. पूरे आज तक झोपड़ी पार्टी कोई भी नहीं देखे. पूरे पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ कर लिए. वो लोग वोटा डालो तुम्हारे को घर दिलाते, पट्टा दिलाते बोल के यूज़ कर लिए. पहला टाइम टीआरएस पार्टी सब जने को झोपड़ी पट्टी वालों को घर दिलाए. वो एक बड़ी बात है. वो हमेशा रहता. इससे पहले मैं तेलुगुदेशम आई जब 3 सिटिंग कॉर्पोरेटर इससे ज़्यादा करे. हमारे को पब्लिक है साथ में. पब्लिक है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकते. पब्लिक हमेशा हमारे साथ में है सर. और वो लोग क्या है बोले तो जब मैं TDP में था, MLA ठहरे जब भी ऐसी और ज़्यादा गड़बड़ करे. फायदा क्या हुआ सर? यही टीम अभी भी वही टीम आए. कई को कर रहे, उन लोगों को नहीं मालूम. वो पूरा हाईकमांड देख लेता. हम लोगों के बारे में बात भी नहीं करते. उन लोगों के बारे में काउंटर नहीं तो पूरा हमारा पार्टी हाईकमांड देख लेता. हम लोग खाली डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डेवलप क्या कर रहे और पब्लिक को बोलना है. घर घर फिर रहे हम लोग क्या करें और आने के बाद क्या करते. पब्लिक का रिस्पॉन्स जबरदस्त रिस्पॉन्स है. बोल रहा हूँ अभी हर एक जना केसीआर को एक भगवान का जैसे देख रहे हैं. हमारे सीएम साहब कहीं बोल सॉइल टेस्टिंग सब भी हो गया बनाते. कहीं बोल तो डबल बेडरूम बनाना बोले तो कांग्रेस वाले जाके स्टे लाए. दो लैंड आधा में रुक गया. अब कमला नगर का क्या है, रॉक निकला. पूरा पत्थर निकला. पत्थर निकले तो कॉन्ट्रैक्टर काम रोक दिया. काम रोक देने के बाद हम लोग क्या करें, फिर म्यूनसिपल कमिश्नर कहने जाके 1.5 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा दिला के फिर काम शुरू करें. अभी काम शुरू हुआ, 3 नए 4 नए फ्लोरा गिर रहे. काम शुरू करने का कमेंट नहीं करना. काम शुरू नहीं हुआ तो कमेंट करना और उनके बारे में गलत बात करना. हम लोगों को क्या है, 3-4 अगर अपन भी घर बना रहे के लिए 2000 करोड़ खाली तेलंगाना स्टेट में दिए मुसलमानों को. 2000 करोड़ दिए पूरा इंडिया में. 2500 करोड़ दिए पूरा इंडिया में. 2500 करोड़ है तो खाली 2000 करोड़ तेलंगाना में दिए. और क्या है,
ये पूरा पेपर में क्लियर इसकी तो नहीं मालूम तो वो करना तो गलत बात है, नहीं बोलना। नहीं बोलते मुसलमान बहुत खुश है। अरे घर में क्या है, हमारे को सीएम साहब बहुत काम करे, बोलते खुश है। असल पब्लिक में सीएम साहब को फेवर में है, थोड़े लीडर क्या है बोल लेते रहते, हर एक पार्टी में ऐसा लीडर बोल लेते रहते, तो इस वजह से हम लोग वहाँ क्या है अभी फिर अच्छा रिस्पॉन्स है। और हमारे लीडर्स कार्यकर्ता महिला सब पूरे मेरे साथ घर घर फिर के बहुत मेहनत करे, और ये मेहनत का फल चुपके नहीं जाता। डेफिनेट हमारा पार्टी हर एक वर्कर को साथ देता और हर एक वर्कर का हम ख्याल करेंगे, और ऐसे घर घर फिर के और ज़्यादा प्रचार करके ज़्यादा मेजॉरिटी आना बोल के हम लोग सोच रहे थे। लोगों को देने के बाद ही फिर म्यूनसिपल इलेक्शन में जाते, फिर म्यूनसिपल इलेक्शन में 99 ये बार 100 के ऊपर हो जाता टीआरएस पार्टी। क्या बोलते हम लोग गरीब को जो बोले सो नहीं करे तो वोटा नहीं डालते ना। अब गरीब लोग पूरे टीआरएस पार्टी में फेवर में है, हर एक लोग बहुत खुशी से है, हर एक लोगों को एक एक एकड़ लैंड दिए, उनको बनाने के भवन बनाने को पैसे दिए सीएम साहब, ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं करा। तो हर एक लोग बहुत खुशी से है, आज हिंदू रहें दो, मुस्लिम रहें दो, क्रिश्चियन रहें दो, सिख रहें दो, कोई भी रहें दो, सब जने एक ही बात बोल रहे, ए टाइम केसीआर केसीआर, दूसरा बात नहीं बोल रहे। ఇది ఈ రోజు వార్తలు. మరి హిందీ తెలుగు వార్తలతో పాటు పొలిటికల్ పన్ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ క్రైమ్ న్యూస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ 11.